तारियां तो पुछ चनवे सारी रात तेरा तक नहीं आ रहा, तारियां तो पुछ चनवे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं ना दो तीन चीजें बतानी थी तो मैंने सोचा कि साथ ही मैं बता दूं। ये एक चीज बताऊंगा आपको, बीस साल बाद भी यही हाल रहेगा। अच्छा मैं बताना ये था जो मेकअप का सब लोग पूछ रहे थे ना, वो ये था कि वो मैं बता देती हूँ जो इन्होंने पूछा है ना। मेरे ख्याल से उनका नाम मारिया कुछ नाम था। मारिया मैं आपको शुरू से बता देती हूँ, जो मैं कह रही थी ना मैंने हल्की सी बिल्कुल फाउंडेशन लगाई है वो ये लॉरियल की ट्रू मैच है उस दिन जो मैंने लगाई थी। सबसे पहले अगेन मैं वही स्टार्ट करती हूँ, ये पानी की स्प्रे ब्लिसफुल से। अगर मेरे बालों पे स्प्रे हो जाए ना मैं झटपट इसको ब्रश करके सीधा कर देती हूँ, क्योंकि वरना ये वहीं पे वेव आ जाती है। लाइट है शाम? हाँ गेट दैट। लाइट आ गई माशाल्लाह, स्टॉप कर लो। अच्छा जी कैमरामैन आज इरशाद है मेरे साथ, सादियाज अरेस्ट करने के लिए गई हुई है। स्प्रे की मैंने सबसे पहले, खुशी की बात यह है कि लाइट आ गई है आप लोगों से बात करते करते। उसके बाद जो मैं आज सीरम ऑफ द डे है मेरा वो है ये वाला पिंक, पहले थोड़ा सा रह गया तो मैंने कहा इसको ख़त्म कर दूं। पहले मैं सनब्लॉक इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि क्योंकि सन नहीं होगा बाय द टाइम मैं जाऊंगी। मैं थोड़ा सा ना सीरम ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इशाद में हूँ ना जी बोलिए, मैं थोड़ा सा सीरम ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इशाद तुम किधर खड़ी हो, तुम इधर आ जाओ ऐसे। हाँ मैं थोड़ा सा सीरम ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ। आप भी बहुत बोर होते हैं मेरी मेकअप वाली वीडियोस कहते हैं रोज़ मत बनाया करो, लेकिन रोज़ कोई ना कोई बात कोई पूछा होता तो फिर बन जाती है वीडियो, क्या करें। जा मैं नहीं हूँ अपनी बहन सादिया के साथ और अपनी फ्रेंड के साथ ब्रू, जब से आबिद गए मैं एक दिन भी नहीं गई। ब्रू वाले ने बस मुझे फ़ोन नहीं किया, बाकी सब उन्होंने परेशान हो रहे होंगे कि मैं किधर चली हूँ। वैसे नॉर्मली क्योंकि इन दोनों में नहीं होती ना, मैं अमेरिका में होती हूँ तो इसलिए फिर ये भी उनको पता है। तो सीरम लगाया मैंने अपना, बाकी का मैंने लगा लिया हाथों पे। अच्छा सिर्फ लंबा मैंने कुछ भी बता रही, मैंने साथ ही बता दूँ कि वो ये वाली फाउंडेशन है जो मैंने लगानी है। बस इरशाद के साथ ये है ना कि जो कैमरा मैन इरशाद है ना वो बस प्ले और स्टॉप नहीं कर सकती, जो सादिया है वो जरा वो उसको ये पता चल गया प्ले और वो कर लेती है वो ना। ये वो फाउंडेशन है जिसके बारे में पूछ रहे थे, एक मैंने रिप्लाई दे दिया। दूसरा आईब्रो वाले जो पूछे थे ये सेफायर का, सॉरी मैंने उस दिन जुनेद जमशेद का बोला, पता नहीं क्यों बोला। ये सेफायर का की आईब्रो पेंसिल है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छी है। और कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने कहा था मैं इधर आके बताऊँगी, ये नहीं मुझे याद आ रहा, आप लोग दोबारा पूछ लें। तो मेकअप जो भी मैंने किया उसके बाद एंड में ये है एक्चुअली जो नए जमशेद की सेटिंग स्प्रे जो के बाद में सेट करूँगी, काफ़ी अच्छी है। तो मैं जो अपनी वो दूसरे वाली है, अब मुझे ये ना कहना कि आपने लोकल चीज़ों कुछ कहा है, लेकिन वो वाली मैं ज़रा बाहर वो करती हूँ जिस रूटीन में किस तरह जा रही हूँ तो वो मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। तो अब इशा तुम्हें स्टॉप करना पड़ेगा, कर लोगे दीदी आ गई। मैंने कहा आपको पूरा अपना ड्रेस दिखा दूँ, ये मेरा शर्ट मैंने ली थी कॉटन वर्ल्ड से और इसको लिए हुए हो गए हैं बहुत साल हो चुके हैं इसको लिए हुए, लेकिन ये कि आज भी मुझे अच्छी लगती है। और इसमें ना ये अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये लेसेस के साथ छोटे 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 टुकड़े लगे हुए हैं। अच्छा जी अब एक और बात। अच्छा जी अब पता क्या सब लोग बहुत ही पता नहीं क्यों लेकिन पसंद कर रहे हैं अंबानी, मैं तो कोई ज़्यादा बात ही नहीं कर रही अंबानी की वेडिंग के बारे में लेकिन सबको बहुत वो अच्छा लग रहा है। तो फिर एक बात और शेयर करती हूँ,
वो ये कि जब मैं सबकी प्राइसेस सुनती हूँ ना, उनके ड्रेसेस की, उनके ज्वेलरी की और सब चीजों की, 200 करोड़ ये, वरना मैंने तो खाली बालाजी प्रोडक्शन पे एकता कपूर के ड्रामों में ही सुना हुआ था 500 करोड़, 200 करोड़। मुझे लगता था कि एकता कपूर ये करती हैं, उनका स्टाइल है, मगर मुझे नहीं पता था कि अंबानी की फैमिली को देख के उनको पता चलता है कि ये होता है सब कुछ। तो कि वो 350 करोड़ की साड़ी, 400 करोड़ का ये, 250 करोड़ का वो, यानी कि 2-3 करोड़ तो है ही नहीं ना, 250 करोड़ है हर जगह पे। सडनली क्या हुआ कि नवीद सुबह सब्जी लेकर आया, तोरियां थी, तो मैंने कहा नवीद किस तरह किलो है, तो जो भी उसने प्राइस बोली मुझे लगा ये करोड़ बोल रहा है क्योंकि करोड़ करोड़ मेरे जहन में इतना ज्यादा होता है, मुझे ऐसे लगता है प्याज टमाटर 50 करोड़, तोरी 100 करोड़, करोड़ करोड़ बस मेरे जहन में अब आता जा रहा है, हर तरफ करोड़ ही करोड़ हो रहा है जी। अल्लाह हिदायत दे जो बैठे हुए हैं उनको भी और हमें भी, मुझे दे सबसे पहले, तो मैं यही कहूँगी कि मैं ही इतनी तकलीफ से गुजरी हूँ कि अगर अपनी बहन से मिलने के लिए जा रही थी मैं और मेरी प्यारी फ्रेंड की एक झलक मामूली सी, तो हम, मैं और सबीना जा रहे थे असल में उसको सादिया को पिक करके, हमने कहा सब ब्लू वगैरह बैठते हैं, 1.5 घंटा हो गया मुझे गाड़ी में, सारे रास्ते बंद हैं और सब कुछ बंद है, और अभी पहुंचेगी इंशाल्लाह खैरियत से, अभी थोड़ी सी हमें सिविलाइजेशन नजर आई है, हम पहुंचे हैं क्लब रोड पे और लग रहा है कि इस दुनिया में हैं हम लोग, पढ़ना बस मत पूछे क्या हाल था। तो जो लोग भी कोई इस्लामाबाद विजिट करना चाह रहे हैं मत आए इस्लामाबाद, बिल्कुल ना आए क्योंकि रास्ते सब बंद है। तो इस खबर के साथ दोबारा वक्फे के बाद दोबारा मिलेंगे। फाइनली इतनी देर के बाद इतने उजड़ गई हूँ मैं थोड़ी सी बैठी बैठी, मेरी प्यारी बहन सादिया, अब हमने इसको बिठा ही लिया गाड़ी में, सफर तय कर कर के तुम यहाँ का खाना मिस कर रही थी क्या? सैलेड जो कि मैंने नहीं लिया, तो अभी ऑर्डर कर दो। सबीना किस्सा सुना रही है कि हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए, उसमें बहुत सर्दी में प्लास्टिक का रूम था और सबीना को लगा कि हम पे एक एक्सपेरिमेंट होने लगा, इसके अंदर लैब का एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद हमें इतने नमक वाला खाना दिया गया कि ये हो सकता है ब्लड प्रेशर भी हमारा चेक मॉनिटर करने के लिए कि हमें ब्लड प्रेशर हुआ है कि नहीं हुआ। ये दो एक्सपेरिमेंट्स थे। ट्रैफिक बिल्कुल जाम है, ये बीच में रास्ता बंद है, इधर आ जरा, रास्ता बंद है, खुला है ना, झूठ बोल रहा है मुझे, इसका मुंह झूठ है, खबी साइड खुली है। अच्छा बस ठीक है, चलो ये देखिए हालात इधर के क्यों आ रही हूं, ये बिस्तर देख लो, मैं कोई नहीं देखो क्या मसला है, यहां बजट है इसी रास्ते से जाने के लिए, या हमें वीडियो पहले आबिद को जानी है फिर कहीं और, ये मैं बता दूं पहले साहब ने देखनी है वीडियो, ये जो मेरी वीडियो है ना आज की, ये हालात हाजरा भी है, अगर कोई खबरें नहीं देखता ना देखे वो आज की वीडियो देख ले, और ये माशाल्लाह बिस्तरे भर के जिन जो लोग बैठे हुए हैं ना वहाँ पे उनका चारों शायद ठंड लगती है, पैर मार कर ना मार के अब भी नहीं करने वो क्या मैं वो आमिर बाजी कह रही है ये आपका अमाल नाम है जो अभी नहीं रिसीव करने वाला की क्या जरूरत पड़ी है इधर इस तरह गाड़ियों के अंदर फिर फंसने, रास्ता बंद किया हुआ है, आलीशान छोटी सी सुजुकी से बंद किया हुआ है, पुलिस का है काम मदद आपकी, एक इतनी सी बगैर लाइटों की सुजुकी डब्बा उससे रास्ता बंद है, बस तो बंद है, ये पुलिस वाले सो रहे हैं आराम रेस्ट कर रहे हैं, मौका है रेस्ट का, ये टाइम है और ये ट्रैफिक है स्टिल, ये हालात है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबकी जिंदगी ऐसी हो गई है, घर बैठो तो बिजली खर्च होती है, बाहर निकलो तो पेट्रोल खर्च होता है, रेस्टोरेंट पे बैठो तो पैसे खर्च के खाना खाते। सभी ना जिंदगी क्या है, नर्व्स खर्च हो रही है, मुफ्त की, नर्व्स भी खर्च हो रही है। हाँ क्या नर्व्स खर्च होना, हाँ उसके पैसे नहीं, उस पर भी बिल नहीं लगा, हो सकता है उस पर टैक्स लग जाए, खून जलना अभी फ्री है। राहत ये बात मैं तुम्हारे लिए मैं और समीरा कह रही हूँ, क्योंकि आज हमें तुम बहुत याद आ रही थी कि जब एक दफा तुम्हारे घर अफ्तारी थी, रोजा भी पोलो ग्राउंड में जाना था, अफ्तारी के लिए पोलो ग्राउंड में अफ्तारी के लिए जाना था ना, हाँ इस्लामाबाद क्लब जाना था रोजा खोलने के लिए, और यहाँ से हम ऑल द वे तुम्हारे घर गए, तुम्हारे घर से दोबारा हम यहाँ आए रोजा खोलने के लिए। उसके बाद मैं और तुम बैठे हुए थे, और जिसका मतलब, और ये गाड़ी पार्किंग से पार्किंग नहीं मिल रही थी, जब तक ये गाड़ी पार्क करके आई मैं और राहत रोजा खोल के नमाज पढ़ के बैठे हुए थे। कुछ घर के पास हम कितना घूमे, उसके घर के पास गोल गोल घूमे, और राहत की गाड़ी में बैठते कितना बोली थी कि स्टूपिड न समझ नहीं आ रही तुम दोनों को, रास्ता नहीं तुम लोगों को मिल रहा, फूड पांडा वाले ने आगे आगे बाइक चलाई, हमें उसके घर छोड़ा, फिर हम लोग फूड पांडा वाले को पैसे दिए। सबीने के हाथ में पर्स में जितने पैसे है सबीने सब उसको दे दिए, नहीं नहीं आप ये रख ले, वो इतना शर्मिंदा से कहा नहीं 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 मैंने नहीं लेने, सबीना कहती नहीं आप प्लीज आप रखे, इनको पता नहीं कहाँ इमरजेंसी में जाना है, जा रहा है तेजी से, और सबीना मुझे लग रहा है इसे मार देगा ये, इस ट्रक के अंदर खबो देगा ये अपनी कील नोक, ये देखिए आमिर, ये वैसे सारा आबिद, ये आपने आमिर को इस वीडियो को देखने के बाद कॉल करना है, अच्छा जरूर याद से, गलती तो कभी मानेगा नहीं, कैसा फील हो रहा है, ट्रक भी तो गया, मैंने अभी कहा था इसको कि ना जाए यहाँ से, दूसरी तरफ से जाए, नहीं नहीं खुला हुआ है, खुला हुआ है, वो ऊपर सारे वो बैठे हुए हैं लोग, दिखाऊंगी आज लाइव वो भी इंशाल्लाह, ट्रैफिक ब्लॉक के, अरे ये गाड़ी सामने हमारे, बाइक वालों की फुर्ती फुर्तियां देखो, लाल शहबाज कलंदर गाड़ी जा रही है हमारे, कितना अच्छा है ना, मौलवी भाई लोग बैठे हैं बाहर के मुल्क में, यही होता है, ऐसा तो कहीं ना होता है ना, अव्वल आ गया पाकिस्तान ट्रैफिक जैम्स में, धरनों में फर्स्ट, माशाल्लाह धरने वाली जगह है, और वो ऊपर जो लाइट्स नज़र आ रही हैं वो धरने की है सारी, ये धरने वाली जगह है, सारा धरना, लेकिन मेन धरना वो ब्रिज के ऊपर है, यहाँ पर नहीं है, मैंने सोचा नहीं था ना मुझे कोई खुशी है इस रास्ते से आने की मुझे पता नहीं क्यों, आमिर अब भी तो उस रास्ते पे जा ही रहे ना, हाईवे छोड़िए आप पहले ही छोड़ देते, नेवर एंडिंग स्ट्रगल है अभी तक, इधर तो गाड़ियाँ भी फंस गई इस जगह पर, ऐसी जगह थी, देखिए क्या हाल है, अब गाड़ी चलनी शुरू हुई हम लोगों की, शुक्र अल्लाह का, क्योंकि इन लोगों ने ना ये बाइक्स वगैरह की अलग लेन की, यहाँ पे कुछ लड़के खड़े हुए थे, अल्लाह ताला को अजर दे, क्योंकि रास्ता खुलवाना किसी का और रास्ता बंद करना दोनों का अल्लाह ताला ही अजर और सिला देने वाला है, और देगा ज़रूर देगा वाला, हालांकि साइड पे दरख्त और फूल पौधे और घास सब जो लगती है इतनी मेहनत से, उसका क्या हाल है, ये तो कोई सोचता भी नहीं है, ये तो कोई सोचता भी नहीं है, अल्लाह का खैरियत से घर पहुंचने लगे हैं, ट्रैफिक खुल गई है, मतलब कि हमने वो ट्रैफिक वाला फेज गुजार लिया। अच्छा जी कैसे वापस पहुंची हूँ ये मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, रास्ते बंद होने की वजह से इतनी ट्रैफिक और किसी गाड़ी में छोटे बच्चे रो रहे हैं, किसी गाड़ी में कोई पेशेंट होगा, कोई हॉस्पिटल जाना चाह रहा होगा, कोई एयरपोर्ट जाना चाह रहा होगा, आई डोंट नो कैसे लोग मैनेज कर रहे होंगे,
तो मेरा, मैंने भी अपनी बहन से मैं मिली नहीं थी 2-3 दिन से, जब से वो आई हुई थी, उसकी बेटियां, मैं उनको भी बहुत मिस करती हूँ, अलायना आयरा को, तो मैंने कहा उनसे भी मिल लूंगी साथ। लेकिन शुक्र है मैं सबीना को अपनी फ्रेंड को लेकर गई थी, तो हंसते रोते चिढ़ते चढ़ाते हम लोग पहुंच गए और वापस भी घर आ गए। 3 घंटे लगे बाय द वे मुझे पहुंचते हुए, और 2 घंटे लगे थे मुझे पहुंचते हुए, क्योंकि 6:30 में घर से निकली हूँ और 8:40 में मैं उसके पास पहुंची हूँ, क्योंकि वैसे ऑलरेडी वैसे डिस्टेंस हम मेरे और जहाँ मैंने उसको पिक करना था है एग्जैक्टली 12-15 मिनट्स का, नॉट मोर देन दैट। लेकिन ये हुआ, हमारे दिन में क्या इंसानियत में भी रास्ता साफ करने का और रास्ते से कांटे उठाने का और नुकीली चीजें और रास्ता साफ रखने का जितना सवाब है उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। हम सब लोगों को पता है कि रास्ते की रुकावट दूर करने का कितना अजर है, तो रास्ते की रुकावटें दूर करें मेरे भाई, सब लोग मिलके। तो चलते हैं फिर, कल किसी और दिन के साथ मिलेंगे, किसी और बात के साथ हम मिलेंगे। अल्लाह ताला हमारे भी रास्ते की तमाम तर रुकावटें दूर करे और हमें हमारी मंजिलों तक पहुंचाए। वो लोग सब जो लोग इस वक्त अल्लाह के करम और मेहरबानी का इंतजार करें, अल्लाह ताला उन पे करम और मेहरबानी करे। आमीन। है तो